समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का पक्ष सुन लीजिए। मनोज यादव साहब जुड़े हुए हैं, वो जरूर इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे। यादव जी चर्चा में स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? आप ये कह रहे हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है रेस्क्यू के काम में। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और बिल्डिंग पुरानी थी, कितनी पुरानी थी ये सरकार को बताना पड़ेगा कि कितने साल पुरानी ये बिल्डिंग बनी थी और इसमें क्या नक्शा पास था क्या नहीं पास था और मौजूदा स्थिति में बिल्डिंग की क्या स्थिति, ये भी एलडीए को बताना पड़ेगा। चूंकि ये सब की जिम्मेदारी, जितना भी एलडीए के अंतर्गत आता है उसकी जिम्मेदारी एलडीए की है। क्या मानचित्र पास होके बना है, क्या फेल होके बना, ये भी एलडीए की जिम्मेदारी है। आपने ठेकेदार पे समाजवादी पार्टी पे मुकदमा दर्ज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे धसता है और उसमें पूरी कार समा जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो आपका ये मुकदमेबाजी वाला स्टंट कहाँ छुमंतर हो जाता है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस कंपनी पे आपने मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपके और आपके मुख्यमंत्री कोई बताता ही नहीं है। जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे धसता है तो आपने किस पे FIR किया था, ये आपको सांप सूंघ जाने वाली बीमारी हो जाती है। ये जो आप हर अपनी, एक सेकंड राजेंद्र जी, राजेंद्र जी एक लाइन और बोल दूं फिर आप सवाल पूछे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष का टेस्ट क्यों कर देते हैं बार बार भाई? बीच में आप कहिए ना आपके अधिकारी लापरवाह है, आप कहिए आपके अधिकारी भ्रष्टाचार है, वो नहीं काम कर रहे, आप उसमें समाजवादी पार्टी का तड़का लगा के बचने का प्रयास मत करिए। आप भ्रष्ट सरकार बैठे इस वक्त, इस वजह से स्थित हुई है। मैं आनंद दुबे जी आपको रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले एक अपडेट दे दूं मैं मनोज जी, और ये आपके लिए भी जरूरी है और हमारे सारे दर्शकों के लिए भी जरूरी है। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि हादसे से कुछ देर पहले तक अपार्टमेंट में ही मौजूद थे समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर। सपा विधायक शाहिद मंजूर की मौजूदगी में वहां बेसमेंट में खुदाई का काम हो रहा था और कल शाम को दिल्ली रवाना हो गए थे शाहिद मंजूर। सपा विधायक शाहिद मंजूर की लोकेशन दिल्ली में मिली और इस हादसे से थोड़ी देर पहले तक वहीं पर मौजूद थे, उसी बिल्डिंग में, और उनकी मौजूदगी में बेसमेंट में काम चल रहा था निर्माण का। और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि 3 दिन से वहां पर पानी का रिसाव भी हो रहा था और उसके बाद ये हादसा हुआ, लेकिन तब तक शाहिद मंजूर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है मनोज जी, मैं इसलिए भी रख रहा हूं, और जो आपने सवाल उठाया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाला, जरूर उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो अपडेट है कि पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के, जिनके बेटे और भतीजे की तफ्तीश चल रही है, FIR दर्ज हुई है, वो तो एक तरफ है, लेकिन वो खुद भी वहां पर थे और वो तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं मनोज जी, वो मंत्री भी रहे हैं। देखिए मैं शासन में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सरकार के सामने इनका कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर वहां बेसमेंट का काम हो रहा था तो एलडीए से पास हुआ था अथवा नहीं हुआ था, एलडीए की देखरेख में 4-5 मंजिला इमारत में कैसे बेसमेंट खोदा जा रहा था, ये बताना पड़ेगा एलडीए को, एलडीए के अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि वो किसके आदेश पे काम वहां चल रहा था। क्या मतलब लखनऊ में जंगल राज है क्या, जहां पाए वहां पे आप बेसमेंट खोद लोगे, आप जहां चाहोगे वहां निर्माण कर लोगे? ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब सरकार के अंदर बैठे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एलडीए का जो कैसे करना चाहिए, एलडीए जो है इस तरह के लोगों के साथ हैंड इन ग्लव्स दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल, और आनंद दुबे जी आप ही के जवाब का वक्त है, लेकिन उससे पहले वक्त एक ब्रेक का भी है, बहुत विस्तार में जवाब लेना है क्योंकि ये 2010 से गिराने के आदेश थे और वर्तमान शासन आपका ही है, तो आनंद दुबे जी की बात सुनेंगे। सवाल ही है कि और कितनी मौत की मारते हैं और ये जो मौतें हुई हैं, ये जो हादसा हुआ, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार बने क्यों रहे इतने सालों तक? आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं और उन्हीं से जवाब लेने का वक्त है। दुबे साहब बहुत स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, शासन आपका ही है, ये इमारत जिसको 2010 में गिराने का आदेश था, आप चाहे किसी को कुछ भी कहते रहिए, 2017 से तो आप शासन में हैं, 2017 से 2023 आ गया सर। देखिए यजदान बिल्डर की इससे पहले जो संपत्ति थी उसको गिराने का काम हुआ है, इसमें किस तरह का आदेश था, अगर कोई लापरवाही होगी तो जिन्होंने लापरवाही की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एक विषय। दूसरी चीज, अभी मनोज जी कह रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसे गुंडा समझता हूं वही उनका निकलता है और हर अपराधी से समाजवादी का कुछ रिश्ता निकलता है। यहां बिल्डिंग गिर रही है, किसका नाम आया, समाजवादी पार्टी के विधायक, आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड से कितने लोग मरे उसमें कौन है जेल के अंदर, समाजवादी पार्टी का विधायक,
जहां फर्जी दस्तावेज फर्जी आधार कार्ड बनाने के चक्कर में कौन है दुबे साहब के अंदर समाजवादी पार्टी का विधायक और आप मेरी बात सुनिए अभी हादसा हुआ है अभी हम इसी पर फोकस रहे अभी दुबे साहब इसी पर फोकस रहे आपको नहीं लगता दुबे साहब एक सेकंड दुबे साहब आपको नहीं लगता मेरी बात सुनिए मेरा सवाल सुनिए मेरी सवाल मेरा सवाल सुनिए बहुत तकलीफ का वक्त एनडीए के ये भ्रष्ट लोग कैसे बने रहते हैं चलता है सपा को तकलीफ होती है अतीक अहमद के बुलडोजर चलता है समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती है मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं दुबे साहब समय कम है हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं और मेरे ऐसा सामान्य आदमी जानना चाहता है कि ऐसे भ्रष्ट लोग सिस्टम में बने कैसे रहते हैं आप अंदाजा लगाइए 2010 में जिसको गिराने का आदेश था वो बिल्डिंग 2023 में खुद गिर जाती है देखिए ऐसी तमाम बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गई है पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे लखनऊ हो चाहे बनारस हो चाहे प्रयागराज हो चाहे लखनऊ सुन लीजिए अगर कहीं कोई त्रुटि है कहीं किसी ने इसको सह दिया है किसी की भी गलती है वो चाहे एलडीए का अधिकारी हो चाहे वो सरकार में कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो चाहे कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो सलाखों के अंदर होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रथम है और जो भी भ्रष्टाचारी है उसकी उसकी एक ही जगह है वो जेल के अंदर है चाहे वो हमारे दल का हो या हमारी सरकार में शामिल हो या प्रशासन के किसी अंग में बैठा हुआ हो हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कार्य करते हैं कि अपने शासन काल में पूरे प्रदेश में अवैध निर्माणों का अंबार लगा दें और आज उनको सरकार लगातार गिरा रही है और जो मैंने बताया वो पूछिए इनसे क्या अवैध शराब यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत समय कम है देखिए मैं राजेंद्र जी मैं अनर्गल बात करना पे विश्वास नहीं करता एलडीए के वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी इसी गोमती नगर विस्तार में मैंने खुद कई बार चैनल पे आवाज उठाई वो सहारा शहर के बगल में सृजन बिहार में अवैध बना रहे थे उनकी बिल्डिंग सीज हुई तब जब विपक्ष ने और मीडिया ने आवाज उठाई जिस एलडीए का वीसी ही जिसकी बिल्डिंग सीज कर दी गई हो उस कारण से तो आप समझ सकते हो कि पूरे लखनऊ में किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं आज तक इंद्रमणि त्रिपाठी को बीजेपी की सरकार ने हटाने का काम नहीं किया एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी